गाइस चेक करें गाड़ी, छोड़ दें पैसे यार, कितने को पैसे हैं इसके? 58,000, 58,000 में गाड़ी मिल रही है आपको। कंपनी आपका टैक्स आपके बिहाफ पे पे करेगी। गाड़ी का रूम चेक करें, स्टीयरिंग चेक करें, गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, क्या कमाल की गाड़ी है, लेदर पुशेस के साथ है और प्योर। ये मैं कहता हूँ किसी अमेरिकन गाड़ी के साथ ही आप इसको कम्प्लीट कर सकते हैं या बहुत हाई क्लास जापानीज़ गाड़ी के साथ। बहरहाल ये फा की बेस्ट ट्यून गाड़ी है B70। इसको आप नेट पे सर्च कीजिएगा इसकी परफॉर्मेंस क्या है और इसका इसके इसकी फीडबैक क्या आते हैं। बहरहाल ये गाड़ी की माइलेज जो है 17 है, एक्सीलेंट कैटेगरी की गाड़ी है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह अब ये है JAC, इसकी कैटेगरी क्या है और बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। कैटेगरी भाई 19 की एवरेज देती है गाड़ी, 19 की, और गाड़ी की क्या कमाल का इंटीरियर है, रेड और ब्लैक, क्या कम्बिनेशन है, जहाज़ है अंदर से, आपको लगेगा आप कॉकपिट पे बैठे हुए हैं। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, मुझे खुद पर्सनली गाड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। ये देखे ना चंगान का क्या खूबसूरत कलर है ये गाड़ी का, ये गाड़ी का कलर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा यार, क्या खूबसूरत कलर है। इंटीरियर को तो छोड़ ही देना, अखीर कर दिए। बहरहाल इस पर 3400 रुपये की ऑफ़र है, ये डिस्काउंट पे गाड़ी चेक करें, 88,000 की गाड़ी है ये। बाकी आगे सारी चाइना है, यहाँ भी आपको विज़िट करवाऊँगा। ये भी गाड़ी आपको ऑफ़र में तकरीबन 81,000 की मिली है, सारी गाड़ियाँ ऑफ़र पे लगी हैं मोस्टली चाइना की। अब ये देखें ना ये गाड़ी आगे कितनी खूबसूरत है, बस ये है कि इसकी रीसेल में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ये गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, ये शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी अभी तक, ये हुंडई सोनाटा का 2024 मॉडल है, 25 भी कहते हैं कुछ लोग क्योंकि अभी पाकिस्तान में ये लॉन्च नहीं हुआ। क्या खूबसूरत गाड़ी है ये, क्या ही खूबसूरत गाड़ी है, और ब्लैक तो मैं कहता हूँ वैसे ही एग्जैक्ट और लग्जूरियस कलर है। कैटेगरी बी 15 की एवरेज देती है, जिनको पता है इसके CC इंजन का, इंजन कैपेसिटी का, वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसके गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, चेक करो माओ देव बच्चों, क्या खूबसूरत गाड़ी है। बंधु भाई कैसा है, दिस इज़ निसान एक्सट्रेल, ये ऑलरेडी आपको दिखाया था, ये ऑफ़र पे है। इसके बाद ये किया है किया स्पोर्टेज, ये भी मॉडल अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन चूंकि मैं अब यहाँ आ गया हूँ, हो सकता है पीछे दोनों लॉन्च कर दिया हो। ये 28,000 की बजाय 111,000 रुपये की आपको मिलेगी। ये स्पोर्टेज का इंटीरियर चेक कर लें, अगर नज़र आए तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हाज़ा सबोल्टेज, इसका ये कलर भी है, ये मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, मे बी अब लॉन्च हो गया हो। हाँ यहाँ से इसका इंटीरियर दिखाना आपको, थोड़ा सा मीजिए लेकिन रिफ्लेक्शन आ रही हैं। खैर सोनाटा के बाद ये किया K3, बहुत अच्छी गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, खूबसूरत है, माइलेज 16.8 है, ठीक। उसके बाद आगे सोनाटा है, अजीरा अगर हुई तो वो भी आपको दिखाऊंगा, मुझे पर्सनली अजीरा बहुत पसंद है, बड़ी गाड़ियों में आती है, मतलब बड़ी सी डान गाड़ियों। कैमरे है, कैमरे इसका इसके बारे में मशहूर है कि ये तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर भी कर जाती है। इसकी फॉर श्योर इसके जो कैटेगरी है वो ए ही होनी चाहिए, जितनी ये खूबसूरत माइलेज देती है, देख रहे हैं आपके सामने 18.3 18.3 20 देखे उन्होंने मरना नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कमिटमेंट करनी है। कल बंदों ने कहना है कि भाई आप तो बता रहे थे 18-20 है, लेकिन तो माइलेज जो है ये बल्कि 30-35 की बजाय 18 देती है, लेकिन अगर आप 40 से नीचे चलाते तो ऑब्वियसली ये फॉर श्योर आपको 25-30 के दरमियान आपको देगी। टॉरस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार ऑफ सऊदी अरेबियंस, सऊदीज़ की बहुत फेवरेट कार है ये, अमेरिकन है। इसका रूम चेक करें, इसका इंटीरियर देखें, डैशबोर्ड कितना खूबसूरत है, लेदर पुशिश के साथ है इसकी सीटें, क्या खूबसूरत इसका कंसोल है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है और बहुत चलती है, बहुत चलती है। आप किसी करियाना स्टोर पे क्या किसी पान शॉप पे भी रख के बेचें तो ये हंस के बिकती है। बहरहाल 131 की या 150 की आफ्टर टैक्स है, ऑफर शॉफर इस पर कोई नहीं होती, अगर मैं कहूँ भी तो मेरी बात नहीं माननी। 15.3 की एवरेज देती है। उसके बाद जीले अपनी ज़िंदगी, मतलब जीले मैं महावरतन कह रहा हूँ, जीले कंपनी है, कंपनी का कौन सा वेरिएंट है ये देखते हैं। बहरहाल ये भी ऑफ़र पे है, ऑफ़र में इसकी प्राइस आपको मिलेगी 49,000, वैसे 56 की है ये, इसका पुराना कोई आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लें, पहले ये प्राइस थी, ठीक, अब इसकी ये प्राइस है, तो ये आप खुद देख सकते हैं कि नई प्राइस पुरानी प्राइसेस में जो डिफरेंस है। ये डोंगशेंग की गाड़ी है,
अजीबोगरीब से कलर है, लेकिन सुना है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट इसकी रीसेल नहीं है। ठीक, डोंगफेंग की गाड़ी है, डोंगफेंग जो बड़े मतलब ट्राले शराले बनाती थी। गाड़ी बहुत खूबसूरत बनाई, इंटीरियर बहुत प्यारा बनाया और बहुत यूनिक और डिफरेंट बनाया है। देख सकते हैं कलर कम्बिनेशन आप, क्या खूबसूरत कम्बिनेशन है, क्या खूबसूरत। ये भी ऑफर पर चल रहा है जनाब, लै जो यार, 41 भी लै जो, तकरीबन 47 के अराउंड इसकी प्राइस है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे आपको 41 की मिलेगी। ये रेज है, मुझे रिकमेंड किया है शोरूम वाले ने कि आपने अगर लेनी है तो आप रेज लें। वैसे मैं एक दोस्त के लिए टोयोटा यारिस के बारे में पूछने आया था। ये 19.3 की माइलेज देती है, गाड़ी देख लें, इसका रूम देखें, कितनी बड़ी गाड़ी है यार, मतलब वाई आई डोंट बाय दिस, हाउ आई कैन बाय दिस कार। ये देखें ना, डिक्की देखें, ये 7 सीटर है यार, फैमिली कार है, और प्राइस देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। दिखाऊं प्राइस, ये विलोज है यार, चलें देखें प्राइस। प्राइस का यहाँ पे वो लगा नहीं है, सो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये है वो गाड़ी जिसका मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मेरे लिए पूछना, इसकी भी प्राइस मेंशन नहीं है, लेकिन ये गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और ये सर तो टोयोटा की सबको पता ही है, हाजा यासिर टोयोटा, एक्सेलेंट कंडीशन में। हाँ, एक्सेंट एक्सेंट का अगर ये मॉडल आपने नहीं देखा तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। ठीक, 18.1 की माइलेज है, ये सबसे ज़्यादा हॉट केक की तरह बिकने वाली गाड़ी है और सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी सऊदी में एक्सेंट है। क्या बात है यार, क्या बात है। देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, नो डाउट। दिस इज हुंडई कोना, 17.8 की माइलेज, बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। इसका इंटीरियर और ये इसका फ्रंट व्यू, ये सब गाड़ियों के हुंडई यही शक्ल दे रहा है, और इनफैक्ट आने वाले वक्त में आपको अक्सर कंपनियों की गाड़ियाँ इसी आपको हेडलाइट के साथ नज़र आएंगी। 24.9, ये कौन सी गाड़ी है यार, आई कांट बिलीव दिस इज़ होंडा अकॉर्ड यार, और इसकी प्राइस रेंज क्या है। होंडा अकॉर्ड 25 की एवरेज, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है जी। प्राइस पे डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट 1,33,000 की मिलेगी, वैसे तकरीबन आफ्टर टैक्स ये है तकरीबन 1,53,000 रुपये की। ओफ, मर गया मैं यार, इसका इंटीरियर देख के मैं मर गया, मैंने चौकर लो, अल्लाह अकबर, खूबसूरत गाड़ी है। वैसे होंडा की यहाँ पे इतनी, हाँ एक और बात है, इसका डिस्काउंट की एक फैक्टर ये भी कि होंडा की यहाँ पे उस तरह से रीसेल नहीं जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया में। इसमें कलर देखें, वो सिल्वर नज़र आ रहा है, उससे आगे गन मेटालिक का, ये वाइट है, ये भी सिल्वर है अगेन, और ये ब्लैक है, और उसके बाद ये ब्लू है, और उसके बाद ये कौन सा है, डार्क ग्रे भी है। तो 7-8 वेरियंट है, ये कलर बहुत प्यारा है। फोर्ड है, फोर टेरिटरी है, फोर टेरिटरी की प्राइस मैंने आपको पहले बताई हुई 1,12,000 रुपया है, और जो है वैट टैक्स के बगैर जो है 98,000 है। उसमें आपको आखिरी में आपको जो एक चंग था ना पूरे इस सेशन का, वो ये है कि जीप रेंगुलर और इस तरह की 2-3 और जो कंपनी के वेरियंट्स हैं उस पर जीप ने ऑफ़र दी हुई है। जीप ये कंपनी कह रही है साले कार को कि आपका जो भी कस्टमर जीप खरीदेगा, रेंगुलर खरीदे या कोई और वेरियंट खरीदे, कंपनी उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेगी। कैसी अजीब बात की है ना मैंने, ये देख रहे हैं आप, कंपनी का क्लेम है कि अगर 1,84,184 इसकी प्राइस बनती है तो आपने 160 देना है, इसका जो डिफरेंस है वो जीप मैन्युफैक्चरर कंपनी खुद पे करेगी। दिस इज़ जीप रेंगुलर, ये जो लोग जीप के ऑब्वियसली शिकारी हैं, इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए ये चंक था। और जीप का जैसे ये मॉडल है फॉर एग्जांपल, इसका वेरिएंट का नाम है जीप लिमिटेड 4x4, इसकी प्राइस क्या है, इसका पहले वो इंटीरियर वगैरह देख लें। अब ये देख रहे हैं आप, इसकी प्राइस थी 224 आफ्टर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट था ये 2,069,207 का, 2,07,000 की, और आफ्टर डिस्काउंट आपको मिलेगी 195 की। ये अमेरिकन गाड़ी है, 7,300 मोर देन 7,000 रियाल डिस्काउंट है इस गाड़ी पे यार, मतलब 7,000 का मतलब 5,00,000 के करीब पाकिस्तानी, तो यार ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल ये सारा कुछ आपको दिखाने का मकसद एक छोटी सी गाइडलाइन देना था, और वैसे भी बताना था कि गाड़ी लें तो किसी रिकमेंडेड आप ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर से लें, कल आपको क्लेम करने वाले भी हों, और ऑब्वियसली अगर आप बैंक के थ्रू लेते हैं तो बैंक आपको डिस्काउंट देता है, अगर आपकी सैलरी 3,000 से ज़्यादा है मैं बताता चलूँ तो आप बैंक से विदाउट एनी डाउन पेमेंट थ्रू बैंक ये गाड़ी लीज़ करवा सकते हैं। दिस इज़ कैटेगरी ए,
20% माइलेज हाइब्रिड एंड द कार कंपनी इज टोयोटा। टोयोटा का वेरिएंट कौन सा ये? हाईलैंडर हाइब्रिड। इसकी प्राइस क्या है? गाड़ी का कलर भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर प्राइस मेंशन नहीं है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें निगोसिएशन के लिए छोड़ दें। जीप का ये वेरिएंट भी अच्छा है, बहुत प्यारा कलर लगा मुझे इसका, इसमें ब्लैक में। सो दैट्स ऑल अबाउट द शोरूम, और इंशाल्लाह चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है मेरा अपने जो सेल्समैन है उसके साथ बैठ के दोस्त की गाड़ी के लिए जो मैं काम करने हैं, मैं उसको ज़रा वाइंड अप करूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। हाँ, साथ में अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सेल्समैन जो आपको ये बताएगा कि कौन सी गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, कौन सी गाड़ी रीसेल वाइज अच्छी है, और कौन सी गाड़ी आपकी सैलरी इनकम और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से या ड्राइविंग स्टाइल के हवाले से और आपकी फैमिली के जो 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 मेम्बर्स हैं उसके हवाले से ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर जारी बात है, जो हम मतलब मुस्लिम यहाँ पर आते हैं, हमें हर 2-3 महीने बाद ज़रा एक ऑब्वियसली होता है कि हमने उमरा करने जाना है या हज के दिनों में हज करना है, तो ऑब्वियसली आपने फैमिली मेम्बर्स को लेने, अगर हमें रियाद से बाहर दमाम या जद्दा जाना पड़ता है तो ऑब्वियसली हमें लॉन्ग रूट के लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। तो बहुत से फैक्टर हैं इसके लिए, रिकमेंडेड तो यही है कि आप किसी कंसर्न सेलमैन, आपका कोई रिलायबल होना चाहिए। ये भी ऑफर पे है तकरीबन 55,000 पे, ये गाड़ी अच्छी है। ये मुझे कहा गया था कि आप ये वाली गाड़ी लें, दिस इज़ रेस, ये 1200 cc गाड़ी है, परफॉर्मेंस 21-22 की ये माइलेज है इसकी, ठीक है, और ये इसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप ऐसी गाड़ी लें, थोड़ी सी ये SUV में भी आ जाती है, अच्छी गाड़ी है। सो विल मीट टुगेदर, इंशाल्लाह विल हैव अ वेरी गुड टाइम। अगर आप गाड़ी लेना चाहेंगे और आप मेरे साथ आना चाहेंगे और आप रियाद में, सो ये चमचमाती गाड़ियाँ, ये खूबसूरत अट्रैक्शंस और ये खूबसूरत इसका कोरम और डेकोरम, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।